मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना भी हुआ तो भी पार्टी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और मिशन 50 प्लस को पूरा करेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कही। उन्होंने कहा कि मीडिया बार बार इस प्रश्न को भाजपा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेताओं से पूछता है कि और जवाब यही होता है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा पार्लियामेंट वोट की करता है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शिमला में भी भाजपा के केंद्रीय नेता रविशंकर प्रसाद से मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि वह ना तो इसके लिए अधिकृत हैं और ना ही वह इस बारे में बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट वोट फाइनल करेगा। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पार्लियामेंट वोट मुख्यमंत्री पद चेहरे को आगे करेगी तो भी या नहीं करेगी तो भी भाजपा उसी दमखम के साथ आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने हमारे वरिष्ठ नेताओं से या केंद्रीय नेताओं से पहले भी इसका जवाब सुना होगा, जवाब वही है कि पार्लियामेंट बोर्ड इसको फाइनल करता है। पार्लियामेंट बोर्ड के माध्यम से ये सारी चीजें फाइनल होती हैं। इस पर पिछले कल रविशंकर प्रसाद जी दिल्ली शिमला में आए थे, जो हमने हिमाचल में एक अभियान शुरू किया है हिसाब मांगे हिमाचल कांग्रेस, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। तो उनसे भी आपके साथियों ने ऐसा प्रश्न किया, उनका भी वही उत्तर था कि ना मैं इसके लिए अधिकृत हूं और ना ही मैं बोल सकता हूं। पार्लियामेंट बोर्ड फाइनल करेगा, जिसको पार्लियामेंट बोर्ड फाइनल करेगा उसको लेकर के आगे चलेंगे। पार्लियामेंट बोर्ड करेगा तो भी बीजेपी उसी दमखम के साथ आगे बढ़ेगी, नहीं करेगा तो भी उसी दमखम के साथ आगे बढ़ेगी। ये निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें बड़े वरिष्ठ लोग हैं पीएम से लेकर के सब लोग, तो वो ही जो फाइनल करते हैं। भाजपा प्रत्याशियों की सोशल मीडिया में जारी सूची के बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जांच के लिए पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। इससे संदेह होता है कि कांग्रेस के लोगों ने ही दुष्प्रचार के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि इस दुष्प्रचार में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उस पर भाजपा केस चलाएगी और भाजपा से उसका परमानेंट निष्कासन किया जाएगा। इस पे हमने एफआईआर लॉन्च कराई है शिमला में साइबर क्राइम में, पुलिस के लोग इसमें जो हमें रिपोर्ट देंगे, हमने क्योंकि आप जानते हैं कि ये साइबर क्राइम के माध्यम से पकड़े जा सकते हैं, और बीजेपी का जो लीगल सेल है और हमारा आईटी सेल है उसको हमने कहा है कि ये सारी चीज़ को आप बात करो, पुलिस से एफआईआर लॉन्च करवाई है पुलिस के पास। मेरी खुद भी व्यक्तिगत बात शिमला में हुई थी, जो इस सारे काम को पुलिस में देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इसमें पकड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध में केस चलाएगी और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से उसका परमानेंट निष्कासन करेंगे, दो चार छह साल का नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों को आदत पड़ गई और मुझे तो ये भी शक है कि जो पुलिस रिपोर्ट देने में देरी कर रही है कि कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज तो 10 घंटे के अंदर अंदर आदमी 2 मिनट के अंदर अंदर बता देता साइबर क्राइम वाले को किसका फोन है, किसकी फेसबुक से गया है, किसकी मेल से गया है, बता सकते। आज तक हमें जवाब नहीं आया, तो हम अपने लेवल पर भी कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी की कोई ऐसी लिस्ट आई नहीं है, क्योंकि लिस्ट तभी निकलती है जब हिमाचल प्रदेश की चुनाव समिति जो हमारी रहती है इलेक्शन समिति इलेक्शन कमेटी उसकी मीटिंग होगी, वो नाम फाइनल करके डिस्कस करके पार्लियामेंट बोर्ड में जाएंगे, पार्लियामेंट बोर्ड में डिस्कस होती है, फिर वो सारे मीडिया के सामने दिल्ली में जो पार्लियामेंट बोर्ड के सेक्रेटरी रहते हैं वो उसको फाइनल करते हैं। पहले अनंत कुमार जी सेक्रेटरी थे, अब जगत प्रकाश नड्डा जी सेक्रेटरी हैं, तो वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो मीडिया के भेज देते हैं, वो मेल पे भी जाएगी, सब जगह फेसबुक पे भी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जाएगी, प्रिंट मीडिया पे भी जाएगी। ये सिर्फ बीजेपी में भ्रम फैलाने के लिए कुछ शरारती तत्व लोग कर रहे हैं, और जब वो इसके हमारे कानून के शिकंजे में आएंगे तो उनको ये भुगतना पड़ेगा।